नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर के टॉप 10 शेयर के बारे में। दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा इवरग्रीन सेक्टर है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी काफ़ी सिक्योरिटी होता है। म्यूचुअल फंड से अगर बात किया जाए तो एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सिक्योर है, साथ ही साथ उससे ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिलेगा। बस इसमें आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। जैसे 10 शेयर हम आपको बता रहे हैं तो इसमें किसी 3-4 शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 10 शेयर में कौन से 3-4 शेयर आपके फेवरेट हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि नए लोगों को उससे सहायता मिल सके एफएमसीजी सेक्टर के जो टॉप स्टॉक है उसको चुनने में। हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, आपको अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कौन से सेक्टर आपके फेवरेबल शेयर हैं, कौन आपको ज़्यादा प्रीफर करते हैं इन्वेस्ट करना। 10th नंबर पर है जिलेटिन इंडिया लिमिटेड। जिलेटिन आप तो जानते होंगे, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है इसके। तो जिलेटिन जो है काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। करेंट प्राइस इसका देखिए 5,807 रुपीज है और आज 2.64% अप है, 149 रुपया तेजी देखने मिला है इसमें। अगर इसके लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में देखिए रिटर्न काफ़ी शानदार है। और लॉन्ग टर्म में जब जब देखिएगा तो ये सारी कंपनी आपको पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ ही देखने मिलेगा। ये 1 ईयर में रिटर्न है 17.47%। वहीं 5 ईयर्स में रिटर्न की बात करें तो 5 ईयर्स में भी देखिए शानदार रिटर्न 25.58%। मैक्सिमम ईयर की बात करें, मैक्सिमम में देखिए रिटर्न जो है 180% दिखा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा यहाँ देखिए 2000 ईस्वी में स्टॉक प्राइस काफ़ी हाई पे हुआ करता था, वहाँ से बहुत ही बड़ी गिरावट आया था 2001 ईस्वी में। तो 2001 से आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, 2001 से आपको काफ़ी शानदार रिटर्न देखने मिलेगा, देखिए 2000% का रिटर्न। तो यहाँ पर 2000 ईस्वी में काफ़ी ऊपर था शेयर प्राइस, वहाँ पर से गिर करके 2000 से ये मात्र 250 रुपये का स्टॉक हो गया था। तो 250 रुपये से आप यहाँ पर देखिएगा तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, देख सकते हैं 2000% का रिटर्न। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और वही कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 37% का है, 37.9 का है, काफ़ी शानदार है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 27.3% का है, ये भी काफ़ी शानदार है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.84% का है, ये भी काफ़ी शानदार है। प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें 75% है, तो ये प्रमोटर्स होल्डिंग भी देख सकते हैं कितना शानदार है इसमें। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0 है, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व कंपनी के पास 896 करोड़ का है और अर्निंग पर शेयर 101 रुपीज का है। तो सारे पैरामीटर पर आप देखते हैं कंपनी काफ़ी शानदार परफॉर्म कर रही है। और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट 328 करोड़ का है। और जिलेटिन 1956 से कंपनी ऑपरेट हो रही है इंडिया में, साथ ही साथ जिलेटिन काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी बनाती है। जो प्रोडक्ट आपको देखते हैं ड्रग्स स्टोर पर मिल जाएंगे, डिपार्टमेंट स्टोर पे, ग्रॉसरी स्टोर पे, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है कंपनियां जो मार्केट में लीड करती है। और जिलेटिन का जो आपने देखा होगा सेम करने के लिए जो रेजर होता है वो भी काफ़ी फेमस है यूथ में। तो इस तरह से काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो इसके मार्केट को लीड करते हैं। और यहाँ देखिए मेंबरशिप क्लब स्टोर में भी मिलते हैं। कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के देखिए यहाँ पर सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी का अगर सेल्स देखें तो 2009 में मात्र 652 करोड़ का सेल्स था, जो कि लगातार इंक्रीज होते होते यहाँ पर देखते हैं 1924 करोड़ का ये सेल्स हो चुका है। वहीं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 2009 में मात्र 113 करोड़ था, जो कि यहाँ पर बीच में डिक्रीज हुआ, फिर देखिए यहाँ पर इंक्रीज हुआ, तो अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 328 करोड़ हो चुका है। तो लगातार नेट प्रॉफिट में जंप देखने मिला है, कंपनी का सेल्स भी जंप, नेट प्रॉफिट भी जंप, तो हर पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। अब अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी बैलेंस शीट पे भी काफ़ी शानदार दिखती है। कंपनी का रिजर्व देखिए 458 करोड़ था, जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होकर के ये 896 करोड़ हो चुका है रिजर्व। रिजर्व लगातार इनकी जो है। और कंपनी की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है डेट फ्री कंपनी है। देखिए कभी भी डेट कंपनी के ऊपर है ही नहीं, तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। तो जिस तरह से प्रॉफिट में यहाँ आपको लगातार इंक्रीज देखने मिला है, निश्चित है कंपनी का जो शेयर है प्राइस है उसमें काफ़ी तेज ग्रोथ आपको देखने मिल सकता है। देखिए 328 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ में, मतलब आने वाले समय में ये कंपनी और शानदार क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो देने वाला है। वहीं FIIs का स्टेक देखें तो 2% है, DIIs का स्टेक देखें तो 10% है। तो ये सारे स्टेक हैं जो FIIs DIIs की एक्टिविटी होती है वो रिसेंट टाइम में दिखाता है कि स्टॉक में
मतलब अप साइड मोमेंटम होने वाला है या डाउन साइड मोमेंटम। और प्रमोटर्स का स्टेक जो है कंपनी के स्टेबिलिटी देता है, साथ साथ ये कंपनी के कैप्टन है जो कि कंपनी को आगे ले जाता है। उसके बाद नाइन्थ नंबर पे है इमामी लिमिटेड। इमामी ये भी काफी बेहतरीन शेयर है, 534 रुपया इसका करेंट प्राइस है, 3.80 रुपीज डाउन है, 0.71% डाउन है। और इस कंपनी का भी अगर आप देखिएगा रिटर्न, तो वन ईयर में देखिए रिटर्न, वन ईयर में 161% का रिटर्न, तो वन ईयर में भी काफी शानदार रिटर्न दे रहा कंपनी 161%। वहीं फाइव ईयर्स में बात करें, फाइव ईयर्स में भी काफी शानदार, वही फाइव ईयर्स में बात करें तो 4% का रिटर्न है, अभी भी पॉजिटिव है। मतलब कंपनी में काफी बड़ी गिरावट हुई थी पैंडमिक के कारण, उसके बाद कंपनी कम बैक किया लेकिन अपने ऑल टाइम हाई को अभी ब्रेक नहीं कर पाया है। और मैक्सिमम ईयर में बात करें तो 1269% का रिटर्न जो कि काफी शानदार है। और साथ ही साथ बीच में दिक्कत क्या हुआ था, कंपनी के बहुत सारे प्रमोटर्स ने शेयर को प्लीज किया था जिसके कारण आपको इतनी तेजी इमामी में देखने नहीं मिल रहा है। तो देखिए देख लेते हैं इसके प्रमोटर्स का स्टेक कितना प्लीज है। तो देखिए 32.9% शेयर जो है प्रमोटर्स ने प्लीज कर रखा है जिसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस में परफॉर्मेंस देखने नहीं मिल रहा है, तो ये कारण है। अब कंपनी मार्केट कैप की बात करें, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 29 है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25 है जो काफ़ी शानदार है। प्रमोटर्स होल्डिंग 53.9% है जिसमें से 32.9% शेयर प्लीज है। तो 53.9% में 32.9% शेयर प्लीज किया हुआ है। इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 41.4 इसका इंडस्ट्री का पी है, और जबकि स्टॉक का पी देख लीजिए काफ़ी हाई है, 52.3 इससे भी काफ़ी हाई है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें 10.20 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है, और डेट टू इक्विटी की बात करें 0.05 है, और कंपनी के ऊपर कुल डेट जो है 91 करोड़ का है, और कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 1718 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, तो अच्छा खासा रिजर्व भी है कंपनी के पास। वही कंपनी प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी का सेल्स देख लीजिए, यहाँ पर 2010 में था 967 जो कि लगातार इंक्रीज होते गया और अभी 2881 करोड़ का सेल्स हो चुका है कंपनी का। वहीं कंपनी का नेट इनकम की बात करें तो कंपनी का नेट इनकम था 2010 में 170 जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है, लगातार इंक्रीज होते होते अभी हो चुका है। 2021 में 455 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है जो कि काफ़ी शानदार इंक्रीज है। तो दोस्तों आने वाले समय में ये स्टॉक काफ़ी परफॉर्म करने वाला है, लेकिन दिक्कत ये है कि प्रमोटर का शेयर प्लीज है। अगर प्रमोटर का शेयर प्लीज छूट जाए, मतलब जैसे जैसे प्रमोटर का शेयर प्लीज खत्म होता है वैसे वैसे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करने वाली है। अब यहाँ पर बात करें कंपनी की बैलेंस शीट का, तो रिजर्व जो है 610 करोड़ का था 2010 में जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है, देखते हैं तो रिजर्व लगातार इंक्रीज होते होते 1718 करोड़ का रिजर्व हो चुका है कंपनी के पास। और कंपनी के ऊपर जो डेट था, डेट को यहाँ बोरोविंग में दिखाया गया है, और यहाँ पर देख लीजिए 259 करोड़ का डेट था कंपनी के ऊपर जो कि लगातार यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज देखने मिलता है। काफ़ी बार जो डेट इंक्रीज हुआ है, काफ़ी डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल अभी कंपनी का काफ़ी डेट डिक्रीज हुआ है, देखते हैं 92 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, तो अभी काफ़ी डिक्रीज किया है कंपनी मार्च से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में, काफ़ी ज़्यादा आधे से भी ज़्यादा डेट हो चुका है, तो डेट में भी सुधार देखने मिल रहा है। मतलब एक ही कंपनी में जो दिक्कत है वो है कंपनी का शेयर प्लीज, काफ़ी ज़्यादा शेयर प्लीज है। अगर शेयर प्लीज खत्म होता है निश्चित है एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिलेगा इस शेयर में। उसके बाद बात करें प्रमोटर्स का, कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक भी लगातार कम हुआ है, अभी 53.86 है, और इससे पहले कंपनी में स्टेक जो है और भी कम हुआ करता था 2019 में, तो यहाँ प्रमोटर स्टेक जो है पिछले एक दो साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और घटाया है। वहीं FII का स्टेक की बात करें 10.52% है, DII का स्टेक 26.39% है, और पब्लिक का स्टेक जो है 9.24 है। तो प्रमोटर स्टेक में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने मिला है पिछले 3 सालों में, जिसके कारण शेयर प्राइस में भी आप गिरावट देख रहे हैं। शेयर प्राइस में गिरावट का कारण क्या है, यहाँ पर प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा स्टेक को यहाँ पर कम किया था जिसके कारण शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने मिला, क्योंकि प्रॉफिट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, देखते हैं प्रॉफिट लगातार यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज होते रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट था कंपनी का, लेकिन शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ था। लेकिन ओवरऑल अब कंपनी जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, काफ़ी बेटर रिजल्ट दिया है, तो निश्चित है इसमें तेजी देखने मिल सकता है। फंडामेंटली ये भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी में काफ़ी सारे प्रमोटर्स के शेयर जो है प्लेस्ड हैं। अगला जो 8 नंबर पे स्टॉक है वो है प्रोटेक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड।
ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। करेंट प्राइस देखिए 12,900 रुपीज़ है और ये स्टॉक 52.75 रुपीज़ अप है, 52.75 रुपीज़ ये स्टॉक डाउन है, 0.41% डाउन है। और कंपनी के रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 28% अप है, 5 ईयर्स में देख लीजिए 5 ईयर्स में 118% अप है और मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में 2,593% अप है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। सबसे बड़ी बात है कि जो जिलेटिन का देख रहे थे वही प्रमोटर प्रोटेक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर के हैं, मतलब दोनों कंपनी के प्रमोटर सेम हैं। तो आप जिलेटिन जैसे जानते हैं कि काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, उसी तरह ये भी कंपनी काफ़ी शानदार है क्योंकि दोनों के प्रमोटर्स एक हैं और अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। देखिए प्रमोटर्स में प्रोटेक्टर एंड गैम्बल ओवरसीज इंडिया लिमिटेड देखिएगा तो दोनों के प्रमोटर सेम के सेम हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है और जो कंपनी का पी है 62 का पी है कंपनी का, वहीं इंडस्ट्री का पी जो है 58 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी का 42 का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 58 का है, तो ये काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी का फेस वैल्यू जो है 10 का है, डिविडेंड यील्ड जो कंपनी का 0.81% का डिविडेंड यील्ड है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और जिलेटिन के पास भी कोई डेट नहीं था, मतलब दोनों के प्रमोटर्स एक है। तो देखिए दोनों के कंपनी का बिहेवियर भी सेम है, दोनों कंपनियां डेट फ्री है और कंपनी के पास जो रिजर्व है 1290 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। कंपनी के कई सारे बेहतरीन प्रोडक्ट है, देखिए पेम्पलर्स एडिल टाइड टाइड का मौका सफेदी से हर कोई चौका एरिल, ये सब प्रोडक्ट आप भी जानते होंगे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है। हेड एंड शोल्डर देखिए अच्छे शैम्पू है, उसी तरह ऑरल बी देखिए काफ़ी बेहतरीन, विस्पर विक्स देखिए ये सारे प्रोडक्ट जो आप देखते हैं मार्केट में नहीं, मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट में मोनोपोली रखता हो कंपनी का, तभी उस कंपनी में के शेयर प्राइस में भी आपको देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है कंपनी के मार्केट में काफ़ी अच्छे पॉपुलर है, काफ़ी अच्छे मतलब प्रीफर किए जाते हैं कस्टमर के द्वारा। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें कंपनी का जो सेल्स देख लेते हैं तो 2009 में सेल्स था 759 करोड़ का, जो कि सेल्स यहाँ पर देखिए लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार इंक्रीज और इंक्रीज होते हुए थे यहाँ पर देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ में 3,422 करोड़ पर पहुँच चुका है सेल्स। और नेट प्रॉफिट जो है 179 करोड़ का है 2009 में, जो लगातार इंक्रीज हुआ है, लगातार इंक्रीज और इंक्रीज होते होते अभी पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट जो है 672 करोड़ हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, कंपनी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली, लगातार कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज देखने मिल रहा है, सेल्स में इंक्रीज देखने मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। अगर बैलेंस शीट की बात करें, क्योंकि बैलेंस शीट एक काफ़ी फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है उसमें बैलेंस शीट एक काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। अगर रिजर्व की बात करें 408 करोड़ था 2009 में, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है, लगातार इंक्रीज और दिसंबर 2020 में ये देखिए रिजर्व जो इंक्रीज होकर के 1290 करोड़ का हो चुका है। और कंपनी का जो बोरोविंग है, मतलब जो डेट है कंपनी का, वो बिल्कुल जीरो है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, तो दोनों के प्रमोटर सेम है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, एक एमएनसी कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो सबसे पहले करेंट प्राइस देखिए 1710 रुपये है और आज 13.95 रुपया ये स्टॉक अप है। अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में 26% का रिटर्न, जो कि काफ़ी शानदार है, 5 ईयर्स में देखिए 100% का रिटर्न और मैक्सिमम ईयर में बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम ईयर में 1396% का पॉजिटिव रिटर्न। और चार्ट देख सकते हैं कितना सॉलिड है, मतलब इस स्टॉक में ना तो ज़्यादा आपको गिरावट देखने मिलेगा, ना तो ज़्यादा वोलेटाइल मिलेगा, कंपनी एकदम कांस्टेंट रूप से अपने इन्वेस्टर के वेल्थ क्रिएट करके देता है ये सारे स्टॉक जो आपको देखने मिल रहे हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, कंपनी का मार्केट कैप 46,000 करोड़ का है, जो कि काफ़ी शानदार है। कंपनी का पी 44.6 का है, जबकि इंडस्ट्री की पी 58 का है, तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ते पी पे स्टॉक उपलब्ध है। और प्रमोटर्स का होल्डिंग इसमें जो है 51% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 75 का, देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 95 का है, तो ये उससे भी शानदार है। और कंपनी के ऊपर डेट की बात करें 91 करोड़ का डेप्थ है, जबकि डेट टू इक्विटी मात्र 0.08 है,
और कंपनी के पास जो रिजर्व है 1139 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1035 करोड़ का है। तो काफ़ी शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी का। और डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, 2.24% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। और कोलगेट ये तो हर कोई जानता है, ये एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस जो है पर्सनल केयर, जिसमें ऑरल केयर है, मतलब मुख्य रूप से ये टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है। आपको टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, ये मुख्य रूप से इसके प्रोडक्ट हैं। और काफ़ी मतलब इस कंपनी के शेयर प्राइस में ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी, कांस्टेंट रूप से अपने इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करके देती है ये कंपनी। अब कंपनी के सेल्स की बात करें, 2010 में 1962 करोड़ का सेल्स था, जो कि सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है। 2021 में ये सेल्स 4841 करोड़ का हो चुका है। देखते हैं 2021 में ये 4848 करोड़ का सेल्स हो चुका है, जो कि काफ़ी शानदार है। वहीं बात करें नेट प्रॉफिट का, 423 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, जो कि लगातार मतलब यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इंक्रीज और अभी देख सकते हैं नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर के हो चुका है 1035 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है इस स्टॉक का। तो काफ़ी शानदार स्टॉक है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स। अब इन्वेस्टर सेक्शन में जाके बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक 51% है कंपनी में। वहीं FIs का स्टेक जो है लगभग 17% के पास है। और वहीं कंपनी के पब्लिक के स्टेक की बात करें 21.88% का है, और इसमें जो DIs का स्टेक है वो 10% का है। तो जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो एक कैप्टन का काम करता है, जो कि लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। FIs रिसेंट टाइम में कंपनी के स्टॉक में जो तेजी आती है या कंपनी के स्टॉक में मंदी आती है उसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं, क्योंकि इनका जो एक्टिविटी होता है, जैसे बाय करते हैं स्टेक किसी भी कंपनी में, तो उस कंपनी में ज्यादातर काफी तेजी देखने मिलता है। अगले कंपनी है मैरिको लिमिटेड, अभी करेंट प्राइस है 489 रुपये और 2.40 रुपीज ये अप है, 0.49% अप है। अगर इसमें बात करें रिटर्न का लॉन्ग टर्म में, तो वन ईयर में देख लीजिए रिटर्न 47.38 है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। फाइव ईयर्स में देख लीजिएगा, फाइव ईयर्स में 91.28% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी शानदार है। और मैक्सिमम ईयर में 11,675% का रिटर्न देखिए, जो कि काफ़ी शानदार है। तो जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, क्योंकि FMCG सेक्टर में आपको इतना बड़ा रिटर्न बहुत ही कम स्टॉक्स में देखने मिलेगा। और ये स्टॉक देखिए अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। और ऐसे स्टॉक में तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, हर गिरावट पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो बेहतरीन रिटर्न अगर आपको FMCG सेक्टर में मिलते हैं, जो कि काफ़ी कम वोलेटाइल है, इसमें जो आपको पैनिक सिचुएशन है उससे कम गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बार स्टॉक यहाँ पर मूव कर गया, देखते हैं यहाँ पर जो गिरावट में ये मात्र 250 रुपये में स्टॉक मिल रहा था, फिर से ये 250 का लेवल इसमें आपको देखने जल्दी नहीं मिलेगा। तो इस तरह के बेहतरीन स्टॉक आपको FMCG सेक्टर में ही मिलेंगे, जिसमें आपका जो वोलेटिलिटी है, मतलब आपको जो दिल का धड़कन है, आपका जो पेशेंस लेवल है, उतना टेस्ट ये स्टॉक नहीं करता है। अगर एक बार मूव कर गया ऊपर तो कर गया। अब देखिए इसमें मार्केट कैप की बात करते हैं, मार्केट कैप 63,000 करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। इसमें स्टॉक का पी 54 का है, जबकि इंडस्ट्री का 41 है, तो ये इंडस्ट्री के पी से महंगे पी पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.53%, मतलब इस सेक्टर के सारे स्टॉक का डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा, जबकि प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें 59.6% है, कोई भी शेयर इस स्टॉक का प्लेज नहीं है। तो ये बात हमेशा देखिए, प्रमोटर्स का शेयर प्लेज था इमामी में, तो वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जो डेट है एक तरह से शेयर को प्लीज करना, मतलब शेयर को प्लीज करके प्रमोटर्स ने क्या किया है, लोन लिया होगा या किसी लोन के बदले शेयर को प्लीज किया होगा, मतलब कोई ना कोई डेट के बदले शेयर को प्लीज किया होगा, तो उससे कंपनी के फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ता है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.01 है। कंपनी के पास जो रिजर्व है 3,111 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी के ऊपर डेट जो है 348 करोड़ का है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। डेट कुछ खास नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप डेट टू इक्विटी मात्र 0.01 है, तो काफ़ी कम इस कंपनी के ऊपर डेट है, इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस में आपको काफ़ी तेजी देखने मिलता है। वहीं कंपनी नेट प्रॉफिट की बात है, 1172 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है, तो इसके डेट से जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है, तो इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस में इतनी तेजी देखने मिलता है। अगर बात करें कंपनी के जो अलग अलग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मतलब सेल्स की बात करें और नेट प्रॉफिट का, तो सेल्स जो है 2010 में था 2642 करोड़, यहां से सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, लगातार इंक्रीज देखते हैं, सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है और अब तो सेल्स 8,000 करोड़ का हो चुका है, 8,000 करोड़ का सेल्स,
नेट प्रॉफिट की बात करें 232 करोड़ नेट प्रॉफिट था 2010 में, जहां से प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ, अब 1172 ऑल टाइम हाई पे है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई, सेल्स भी ऑल टाइम हाई, सेल्स में कांस्टेंट ग्रोथ और सेल्स में भी कांस्टेंट ग्रोथ देखने मिल रहा है और साथ साथ प्रॉफिट में कांस्टेंट ग्रोथ। अब हम बात करें बैलेंस शीट का, कंपनी का बैलेंस शीट जो कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर है। तो बैलेंस शीट में यहाँ देखिए कंपनी के पास जो रिजर्व था 593 करोड़ का था, जो कि रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है, लगातार इंक्रीज और 3000 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व हो चुका है, 3000 करोड़ से भी ज़्यादा, 3111 करोड़। और बोरोविंग की बात करें 446 करोड़ का बोरोविंग था 2010 में, जहाँ से बोरोविंग जो है लगातार इंक्रीज हुआ और यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया। देखते हैं यहाँ से डिक्रीज हुआ लेकिन फिर से इंक्रीज हुआ, तो बोरोविंग कंपनी के ऊपर थोड़ा सा है 348 करोड़, जो कि खास नहीं है। पहले भी देख सकते हैं कंपनी जहाँ 800 करोड़ के लगभग डेट हो चुका था, वहाँ से काफ़ी कम कर दिया था, 872 करोड़ हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा हो चुका, वहाँ से कंपनी अपने जो डेट को काफ़ी कम कर चुका था 200 करोड़ के आसपास। तो अभी 348 को कुछ खास डेट नहीं कंपनी के पास, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी खास अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास। वहीं इन्वेस्टर के सेक्शन की बात करें, प्रमोटर्स का स्टेक इसमें 59.16 है, और वहीं एफआईज का बात करें तो एफआईज का स्टेक भी अच्छा खासा है इस कंपनी में, 24% का एफआईज का स्टेक है, डीआईज का 10% है, और देख सकते हैं इस तरह के अच्छे स्टॉक में पब्लिक का होल्डिंग मात्र 6%। तो इस तरह के अच्छे स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग जनरली आपको काफ़ी कम मिलेंगे, देखिए 6% मात्र होल्डिंग है, जबकि एफआई का स्टेक देख सकते हैं 24 है, डीआईज का स्टेक 10% है। ऐसे अच्छे स्टॉक में आपको जनरली पब्लिक का होल्डिंग मात्र 6% देखने मिल रहा है, जबकि इस स्टॉक में आपको पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा होना चाहिए था। अगला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, 849 रुपये इसका करेंट प्राइस है, 3.45 रुपये डाउन है, 0.40% डाउन है। और वहीं वन ईयर में रिटर्न की बात करें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का, वन ईयर का रिटर्न काफ़ी शानदार है, 28.93% है, और फाइव ईयर्स में स्टेक की बात करें तो 64.94% अप है फाइव ईयर्स में कुछ खास नहीं है। मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं, मैक्सिमम ईयर में 20,000% का रिटर्न गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट देखते हैं, 20,000% का रिटर्न दिया है, देखते हैं मैक्सिमम में। तो इस तरह के अच्छे स्टॉक जो कि गोदरेज ग्रुप का ये स्टॉक है, इस तरह के अच्छे स्टॉक आपको इतने अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, उसके बावजूद जैसे तैसे पैने शेयर में इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। इस तरह के जो बेहतरीन स्टॉक है, इसमें ही जब हमें इतने अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं, तो फिर जैसे तैसे स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसका जो अलग अलग फाइनेंशियल हेल्थ है, पहला तो मार्केट कैप 87,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 20% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 20% का है ये भी, तो काफ़ी शानदार है। प्रमोटर्स होल्डिंग 63% का प्रमोटर्स होल्डिंग है, जो काफ़ी शानदार है। शेयर प्लेस 0.66%, तो 1% भी नहीं है, तो ये मतलब लगभग निगलेजिबल है, ये जो प्लेस शेयर है 1% के बराबर भी है, ये निगलेजिबल है। जब प्लेस शेयर हमारा 20% हो, उससे अधिक हो, तो फिर वो काफ़ी कंसिडरेबल हो जाता है, काफ़ी उस पर सोचना पड़ता है कि उस शेयर में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। अगर पी की बात, इंडस्ट्री का पी 41 है, जबकि इसका 49 है, तो उतना महंगा पी भी नहीं जितना कि मैरिको का था। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पी भी काफ़ी सस्ते हैं अन्य सभी स्टॉक से। रिजर्व कंपनी के पास 9,337 करोड़ का है, और जो कंपनी का डेट टू इक्विटी है मात्र 0.09 है, देखते काफ़ी कम, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कम डेट टू इक्विटी है, और डेट टोटल डेट की बात करें 855 करोड़ का डेट है, जबकि देख सकते हैं इससे लगभग 10 गुने से भी ज़्यादा रिजर्व है कंपनी के पास, और कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट 1721 करोड़ का है, मतलब जो डेट है कंपनी के ऊपर उससे 2 गुना कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट है। तो कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 2 गुना कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट है, तो जो कि काफ़ी शानदार है। अगर कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात करें, तो कंपनी का जो सेल्स है वो 2000 करोड़ का था 2010 में, जहाँ से कंपनी का लगातार सेल्स इंक्रीज हुआ और 11,000 करोड़ का सेल्स हो चुका है कंपनी का। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात है, 340 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और जहाँ से नेट प्रॉफिट देखते हैं लगातार इंक्रीज हुआ, मतलब ओवरऑल जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 2019 में सबसे ज़्यादा था, वहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज देखने वाला 2020 में, मतलब थोड़ा सा ना बोलें बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर से कंपनी यहाँ रिकवर कर चुकी है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी शानदार है, देखिए 924 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व था 2010 में,
और वहाँ से कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ और कंपनी का रिजर्व इंक्रीज होते होते यहाँ पहुँच गया 9,337 करोड़ का। तो 2021 में कंपनी का रिजर्व काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और कंपनी का जो डेट है 2010 में मात्र 37 करोड़ का बोरोइंग था और कंपनी के यहाँ से देखते हैं बोरोइंग लगातार 2011 में काफ़ी ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया, बढ़ते चला गया 2020 में कंपनी अपने डेट को एक बहुत ही कम कर चुका है, मात्र 855 करोड़ का डेट। यहाँ पर देखते हैं कंपनी के ऊपर डेट लगातार बढ़ते जा रहा, एक ही बार कंपनी यहाँ पर डेट कम किया तो मात्र 855 करोड़ का डेट अब बचा है, पूरा का पूरा डेट जो है कंपनी अपना खत्म कर चुकी है। तो इतनी शानदार कंपनी है कि कंपनी का जो डेट है पूरी तरह से निग्लिजिबल हो चुका है। वही कंपनी का जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर की बात करें तो इसमें कंपनी का जो प्रमोटर का स्टेक है 63% है, तो कंपनी में प्रमोटर का स्टेक अच्छा खासा है। कंपनी में DI का स्टेक 26 है, कंपनी में FIs का स्टेक की बात करें 26% का स्टेक है। देखिए इस तरह के अच्छे स्टॉक में FIs का स्टेक काफ़ी ज़्यादा है जबकि पब्लिक स्टेक देखिए मात्र 7% है। ऐसे अच्छे स्टॉक में पब्लिक जो है आपको स्टेक लगता हुआ नहीं मिलेगा। वहीं आप सुजलॉन इंडस्ट्री में जाकर देख लीजिए, आलोक इंडस्ट्री में देख लीजिए, मतलब जो छोटे स्टॉक जो चल भी नहीं पा रहे हैं अब, उसमें आप जाके रिलायंस पावर में देख लीजिए, उसमें आपको 80% जो है पब्लिक का स्टेक दिखेगा, 80% पब्लिक का स्टेक। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ का सारा स्टेक FIs DIs का दिख रहा है, पब्लिक नहीं के बराबर है। तो इस तरह के अच्छे स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्ट ना करके जैसे तैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो इसी अवेयरनेस को फैलाना है कि अच्छे स्टॉक में सबके सब इन्वेस्ट करें और अच्छा रिटर्न और अच्छा वेल्थ क्रिएट करें। अगला है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, 3,542 रुपये इसका करेंट प्राइस है, 53 रुपीज़ अप है, 1.53% इसमें तेजी देखने मिला है। अगर इसमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें, एक साल में 3% का रिटर्न है, 3% से ज़्यादा है। 5 ईयर्स में बात करें 153% का रिटर्न है, मैक्सिमम ईयर में बात करें 3,900% का रिटर्न, 3,900% रिटर्न जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने, तो काफ़ी शानदार रिटर्न है। तो ऐसे ही शानदार स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की बात करें तो मार्केट कैप इसका 85,000 करोड़ का है और स्टॉक का पी की बात करें 45.8 का पी है और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 45 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 46.9 का है, तो काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पर जो पी है स्टॉक का वो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम है, देख सकते 54 का इंडस्ट्री का पी है तो ये मात्र 45 पे मिल रहा है। कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो मात्र 0.59 का डेट टू इक्विटी रेशियो है और डेट कंपनी के ऊपर 2,087 करोड़ का है, 2,087 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1,864। तो देख सकते हैं 1864 नेट प्रॉफिट है कंपनी का जबकि 2087 ये कंपनी के ऊपर डेट है और कंपनी के ऊपर पास जो रिजर्व है 3,524 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व है। कंपनी के पास जो प्रमोटर्स का जो प्लेज शेयर है वो जीरो है जबकि प्रमोटर्स का स्टेक कितना है 50.6% और कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना शानदार देख सकते हैं 4.4% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब कंपनी में यहाँ पर जो इन्वेस्ट किए होंगे शुरुआत के समय में वो तो डिविडेंड से ही अच्छा खासा, लगभग इसमें जो शुरुआत में इन्वेस्ट किए होंगे मतलब आज से 10 साल पहले उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा होगा। बात करते हैं प्रॉफिट लॉस का, कंपनी में जो सेल्स है 2010 में सेल्स था 3,773 करोड़ और सेल्स यहाँ से लगातार इंक्रीज और टोटल जो सेल्स हो चुका है 2021 में 13,000 करोड़ का सेल्स हो चुका है 2021 में। नेट प्रॉफिट की बात करें 2010 में 103 करोड़ था नेट प्रॉफिट और वहां से नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ 1864 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है 2021 में। देखते हैं प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हुआ, सेल्स भी लगातार इंक्रीज हुआ, तो कंपनी हर रूप से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखिए रिजर्व 259 करोड़ का था, यहाँ से रिजर्व लगातार इंक्रीज और यहाँ पर देखिए 2020 में ये 4,379 करोड़ हो चुका था, अभी थोड़ा सा रिजर्व कम हुआ है। और बोरोइंग की बात करें कंपनी के पास बोरोइंग 2010 में था 657 करोड़ का जो कि लगातार इंक्रीज हुआ लेकिन फिर बीच में डिक्रीज हुआ
और डिक्रीज होने के बाद फिर से कंपनी का जो बोरोइंग है वो इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पर बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, कंपनी का रिजर्व थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये ओवरऑल काफ़ी बड़ी कंपनी है तो इतना डेट से कंपनी के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितना कंपनी का ऊपर डेट है उतना कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट है। अब कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक की बात करें तो प्रमोटर स्टेक 50% है जो कि कॉन्स्टेंट बना हुआ है काफ़ी लंबे समय से। इसमें FIIs का स्टेक देखिए 17.96, देख सकते हैं इस तरह के स्टॉक में FIIs के काफ़ी ज़्यादा स्टेक आपको मिलेंगे। DIIs का स्टेक 11% का स्टेक तो काफ़ी शानदार है। पब्लिक का स्टेक 20%, इसमें पब्लिक का स्टेक आपको अच्छा खासा देखने मिला है। पहली बार हुआ कि इतनी अच्छे स्टॉक में पब्लिक जो है 20% का स्टेक रखता है, नहीं तो जनरली आपको इतने अच्छे स्टॉक में पब्लिक स्टेक जो है आपको 5-6% मिलेंगे। इसमें भी देख सकते हैं कई सारे ट्रस्ट, कई सारे मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन है उनका स्टेक है पब्लिक में, इसलिए आपको पब्लिक में भी स्टेक काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर जो कंपनी है, जो दूसरी सबसे बड़ी FMCG कंपनी है वो है डाबर। 548 रुपया इसका करेंट प्राइस है, 548 इसका करेंट प्राइस है, 4.45 रुपीज़ ये आज ये अप है। तो ये भी काफ़ी शानदार कंपनी है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें 1 ईयर में 20% का रिटर्न, 5 ईयर्स में देख लीजिए 80% का रिटर्न, और मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में भी काफ़ी शानदार 2113% का रिटर्न, 2113% का रिटर्न दिया है मैक्सिमम ईयर में, तो जो कि काफ़ी शानदार है। तो डाबर जो कि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी अच्छा बोनस शेयर भी दिया है, FMCG में सबसे ज़्यादा बोनस शेयर देने वालों में डाबर ही है, और रिसेंट टाइम में गोदरेज और मैरिको काफ़ी अच्छा बोनस शेयर दे रहा है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो बोनस शेयर देते हैं उसमें जो साइकोलॉजी होता है रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा होता है इन्वेस्ट करने का, इसलिए उसमें प्राइस में ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। मार्केट कैप की बात करें 96,000 करोड़ मार्केट कैप है डाबर का, और इसका P 56.8 है जबकि इंडस्ट्री का मात्र 41 है, काफ़ी महंगे पी पे ये स्टॉक मिल रहा है याद रखिएगा। प्रमोटर का स्टेक 67.4 है जबकि कोई भी शेयर प्रमोटर्स का प्लेज नहीं है, इसका डिविडेंड यील्ड मात्र 0.55% है। ब्रिटेनिया का लगभग 5% था, इसका 0.5% है डिविडेंड यील्ड, तो ये भी याद रखिए। ब्रिटेनिया भी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है लॉन्ग टर्म में। डेट टू इक्विटी 0.06 है, और डेट जो कंपनी के ऊपर 483 करोड़ का है, तो काफ़ी कम डेट है, मतलब एक तरह से वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है, जबकि रिजर्व देख ले 7,487 करोड़, इसीलिए ये कंपनी इतनी ज़्यादा बोनस शेयर देती है, और 1693 करोड़ का नेट प्रॉफिट एनुअल, जो एनुअल नेट प्रॉफिट है 1693 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है कंपनी का, तो काफ़ी अच्छा नेट एनुअल प्रॉफिट भी कंपनी के पास है। वहीं प्रॉफिट लॉस की बात करें, कंपनी के पास जो सेल्स है 2010 में था 3,387 करोड़ का, जो कि सेल्स लगातार इंक्रीज और इंक्रीज होते होते ये 9,562 करोड़ नेट सेल्स हो चुका है कंपनी का। वहीं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 2010 में मात्र 501 करोड़ था, और ये प्रॉफिट देख सकते हैं बढ़ करके हो गया 1693 करोड़ का, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ है। अभी 1693 नेट प्रॉफिट हो चुका है, 9562 ये नेट सेल्स हो चुका है कंपनी का, तो दोनों चीज जो है काफी मतलब इंक्रीज हुआ है सेल्स और नेट प्रॉफिट कंपनी का। उसके बाद बैलेंस शीट भी काफी शानदार है कंपनी का। रिजर्व देख लीजिए 848 करोड़ का रिजर्व था कंपनी का, जो लगातार इंक्रीज और इंक्रीज होता चला गया। तो देखिए ये कैश रिच कंपनियां हैं जो कि लगातार इंटरवल पर बोनस देती है। बोनस किसका काम करता है? साइकोलॉजी का, रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक साइकोलॉजी काम करता है जिससे रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा पसंद करते हैं इस स्टॉक को। अब देखिए बोरोइंग 179 करोड़ का डेट था कंपनी के ऊपर जो कि लगातार इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर कंपनी फिर डिक्रीज भी करना शुरू कर दिया, और अभी जो डेट है कंपनी का वो फिर से लोवेस्ट है पिछले 5 ईयर्स में, 5 साल में सबसे कम डेट है अभी कंपनी के ऊपर, मतलब लगातार कंपनी डेट को कम कर रही है जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है शेयर होल्डर के लिए। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट, काफ़ी अच्छा ग्रोथ। आप प्रमोटर्स के स्टेक की बात करें, प्रमोटर्स का स्टेक 67% है जो कि काफ़ी शानदार है, और इसमें FIIs का स्टेक 20% के आसपास है, 5% DIIs का स्टेक, पब्लिक का स्टेक 7.51%, देखिए फिर पब्लिक का स्टेक काफ़ी कम है। तो इस तरह से अच्छे स्टॉक में मात्र ब्रिटेनिया में आपको जो है काफ़ी अच्छा पब्लिक का स्टेक दिखा, उसमें भी कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का था। अब उसके बाद जो सबसे नंबर 1 कंपनी है FMCG सेक्टर का वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर।
करंट प्राइस है 2,339 रुपया। यहाँ पर जो आज शेयर प्राइस है 2.75 रुपीज़ डाउन है, 0.12% डाउन है ये शेयर। और इसमें अगर हम बात करें मतलब लॉन्ग टर्म में रिटर्न का, तो लॉन्ग टर्म में ये भी कंपनी काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। अगर वन ईयर में रिटर्न की बात करें तो 10.7% का रिटर्न है वन ईयर में। फाइव ईयर में रिटर्न की बात करें 160% का पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्सिमम में रिटर्न की बात करें तो 755% का पॉजिटिव रिटर्न है। मतलब हर टाइम इंटरवल पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने काफ़ी शानदार रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। अब बात करते हैं इसके जो फाइनेंशियल हेल्थ है मार्केट के। सबसे पहले बात करें तो देखिए 5,49,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, जो कि काफ़ी शानदार है, सबसे बड़ी कंपनी है। इसके आधे के बराबर भी किसी भी दूसरे कंपनी का मार्केट कैप नहीं है। मैक्सिमम डाबर का था 97,000 करोड़, मतलब उससे भी ये कंपनी लगभग 6 गुनी बड़ी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम यहाँ बात कर रहे हैं 6 गुनी बड़ी है। और इस कंपनी इतनी बड़ी कंपनी का भी डिविडेंड यील्ड आप देख लीजिए 1.33% है, जो कि काफी शानदार है। प्रमोटर्स होल्डिंग 61.9% है, ये भी काफी शानदार है। परसेंटेज जो प्लीज का है 0 है। डेट जो है कंपनी के ऊपर 0 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब हर पैरामीटर्स पर देखिए काफी शानदार है। अब प्रॉफिट की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर लगभग 8,000 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी के पास, जबकि इसके आधे के बराबर भी प्रॉफिट किसी कंपनी का नहीं था। 7,995 करोड़, मतलब 8,000 के, मतलब जस्ट 5 करोड़ कम है। कंपनी के पास रिजर्व देख लीजिए 47,000 करोड़ का रिजर्व है, काफ़ी कैश रिच कंपनी है। और कंपनी का जो पी है 67 का है, तो सबसे हाई पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी 58 बता रहा है, वहाँ पर एवरेज रूप से 40 के आसपास था पी, तो ये स्टॉक का पी भी काफ़ी हाई है। मतलब हर पैरामीटर पे ये कंपनी काफ़ी शानदार है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो देख लेते हैं। कंपनी का सेल्स था 2010 में 17,000 करोड़ का था, जो कि लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते गया अभी 47,000 करोड़ का सेल्स है, जबकि दूसरे कंपनी डाबर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 97,000 का था, ये उसके आधे तो इसका सेल्स है इस कंपनी का 47,000 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,100 नेट प्रॉफिट था 2010 में, जो कि लगातार इंक्रीज होते चला गया, और अभी 7,995 करोड़ नेट प्रॉफिट हो चुका है कंपनी का 2021 में। 2021 में 8,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है कंपनी का, तो जो कि काफ़ी शानदार है। तो कंपनी लगातार इंक्रीज किया है, लगातार सेल्स इंक्रीज हुआ, लगातार नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट का। तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 2,451 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, जो रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ। और रिजर्व 2021 में ये रिजर्व का एक इंक्रीज होकर के हो चुका है 47,000 करोड़, एकाएक इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकाएक कंपनी का जो रिजर्व है वो इंक्रीज होकर के 8,000 करोड़ से डायरेक्ट हो चुका है 47,000 करोड़। और कंपनी का जो बोरोविंग था वो तो लगभग 0 है, कभी कभी कंपनी के ऊपर छोटा सा बोरोविंग मतलब छोटा सा डेट आया है, ओवरऑल कंपनी हमेशा डेट फ्री है, तो ये कंपनी काफी शानदार है। कंपनी में इन्वेस्टर की बात करें प्रमोटर्स जो है लगभग 61.90% का स्टेक रखता है, जो कि काफी शानदार है। कंपनी में FII का स्टेक जो है लगभग 15% है, DII का स्टेक 10% है और पब्लिक का स्टेक 12% है, तो ये काफ़ी शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। अब इसमें आपने देखा सबसे जो चीप वैल्यू पे स्टॉक मिल रहा है वो है ब्रिटेनिया। अब ब्रिटेनिया कई सारे वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि 5% डिविडेंड यील्ड है और ऐसी शानदार कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, क्योंकि इसके बिस्किट का जो ब्रांड है उसको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर तो हर कोई जानता है बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़ दें तो मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर और ब्रिटेनिया, इन तीन स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में बढ़े, तो डाबर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक है जिसमें आप जरूर इन्वेस्ट करें, मैरिको पहला हो गया, दूसरा गोदरेज कंज्यूमर हो गया, तीसरा ब्रिटेनिया, ये 3 मुख्य फेवरेट है। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डाबर में कर सकते हैं। ये 4 स्टॉक्स हमारे काफ़ी पसंदीदा स्टॉक हैं इस सेक्टर से। आपके कौन सबसे पसंदीदा स्टॉक है जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस में आप इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और वीडियो हेल्प लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।